अलग रिसोर्सेज से नहीं पढ़ना है, हमें कुछ स्पेसिफिक रिसोर्स बनाना है। ऐसा नहीं कि आधा चैप्टर और कहीं से पढ़ लिया, आधा और कहीं से, आधा और कहीं से। 30 मिनट तो हमारा ये हो गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट हमारा एनसीईआरटी हो गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट हमारा ये। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 में हमको साइंस में क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, कितने दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ तक कि हर एक चैप्टर को हमें कितने दिन देना चाहिए ताकि हमारा एक महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद का जो टाइम बचता है उसमें हम रिवीजन करेंगे। और साथ में अभी हमको ये नहीं पता कि हमारी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। तो हमें ऐसी तैयारी करना है कि हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए तैयार रहें, मतलब हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर रहें, ठीक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही महा स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, अभी हमारे पास सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी एग्जाम सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक। बच्चों, कोविड के केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, तो इसमें चांसेस बच्चों को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि CBSE ने यह क्लियर कह दिया है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और अगर केसेस नॉर्मल कंडीशन रहती है तो हमारी एग्ज़ाम क्या होगी, सब्जेक्टिव हो जाएगी, ठीक। लेकिन दोनों ही एग्ज़ाम में एक चीज़ कॉमन कही है CBSE ने कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाएगा। बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करने का मतलब कि जो क्वेश्चन आपकी NCERT के अंदर सीधे सीधे लिखे हैं वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मतलब रट्टा मार टेक्निक नहीं चलेगी, कंसेप्ट क्लियरिटी वाली टेक्निक चलने वाली। अब भाई सवाल आता है कि सर, कि भैया हम कंसेप्ट क्लियर कैसे करें, आता है ये सवाल, ठीक। बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि भाई हमको अलग अलग रिसोर्सेज से नहीं पढ़ना है, हमें कुछ स्पेसिफिक रिसोर्स बनाना है, ठीक है। जैसे 2 या 3 हमने रिसोर्स बना लिए तो उनसे ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आधा चैप्टर और कहीं से पढ़ लिया, आधा और कहीं से, आधा और कहीं से, इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अपने 2 से 3 रिसोर्स बनाओ और उससे पढ़ना स्टार्ट करो। अब बच्चों, कंसेप्ट को कैसे क्लियर करा जाए, कैसे हम महा स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, उस पर आने के पहले हम एक बार सिलेबस को जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक। आइए बच्चों, हमारा सिलेबस कुछ इस तरह से, पहला चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। सेकंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे बायोलॉजी के 2 चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक। फिर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, और फिर हमारा आवर एनवायरमेंट, ठीक। ऐसे हमारे ये कुछ ऐसे 7 चैप्टर हैं, ठीक। अब बच्चों, हमारे पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि हमको कितने दिन में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। अगर हम ध्यान से डेली सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 30 दिन के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से हो सकते हैं। फिर आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम सब्जेक्टिव होती है या ऑब्जेक्टिव होती है, ये सारी चीज़ें आपकी 30 दिन के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे, मैं पहले यह बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कितने दिन में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। देख, सबसे पहले सिंपली क्या कर, तू ऐसा कर ले, हमारे पास 2 घंटे हैं, ठीक। हमने क्या करा, जैसे कोई भी एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी मान ले उठा लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाया, इसमें क्या करेंगे हम, देख पहले इसका क्या करेगा, पहले क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा वीडियो देख ले, क्या देखेंगे हम, वीडियो देख, ठीक है, कितनी देर का, 1/2 घंटे का वीडियो देखा, कोई भी पहला या दूसरा पहला टॉपिक उठाया, जैसे चार्ज और करंट उठा लिया, उसका वीडियो देखा, वीडियो में कुछ क्वेश्चन है वो करें, उसके साथ साथ उसके नोट्स बना लें, 1/2 घंटे का काम हो गया, अच्छा चल ठीक है, वीडियो हो गया पूरा डन। इसके बाद जितना पार्ट पढ़ा है उसकी NCERT कर लें,
ठीक है, एनसीईआरटी हो जाएगी आधे घंटे में उतने पार्ट की। अच्छा अब सोच, एनसीईआरटी कर लिया, ठीक, उतना हमने वीडियो बना लिया, साथ में खुद के नोट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, खुद के नोट्स बना, ठीक है, इन दोनों को करते करते साथ में नोट्स भी बनाते जा, कर लिया। अच्छा अब एनसीईआरटी के जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जांपल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है ना, उसको जैसी लैंग्वेज वहां पे लिखी है उस तरह से सॉल्व कर, ठीक है, जो उसके इनटेक्स्ट में क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर। इससे क्या फायदा हो भाई, देख तेरी एग्जाम कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी ना, ठीक है, मतलब कि जो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, तो भाई जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है ना वो इसी हिसाब से बनाए गए हैं, आपके डेली लाइफ के जो एग्जांपल हैं इसको यूज करके वहां पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। साथ में जो आपके एनसीईआरटी के अंदर इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, वो किस तरह से हैं, वो आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बाद 30 मिनट कितने करा, 30 मिनट हमने क्या कर लिया, हमने आसानी से एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया, ठीक है, एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया, ठीक। अब 30 मिनट तो हमारा ये हो गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट हमारा एनसीईआरटी हो गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट हमारा ये, कितना हो गया, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट हो गए, सबके बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक प्लस में 15 मिनट, कितना हो गया हमारा, 1 आवर 45 मिनट हो गया। साथ में जो 15 मिनट इसके बाद बचने वाले हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, जितना ये पार्ट करा उसका रिवीजन, उसका रिवीजन, ठीक है भाई। देख तू इतना अगर कर लेगा ना, तो भाई दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तेरे को रोक सके, ठीक है। देख यहां पे क्या हुआ, तूने वीडियो लेक्चर देख लिया या अपनी कोचिंग में पढ़ लिया कहीं से भी, ये काम हो गया कंप्लीट। फिर तूने एनसीईआरटी की डिटेल्ड रीडिंग करी, साथ में नोट्स बन गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद के नोट्स, ठीक है बच्चों। मैं मेरे खुद के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छे नोट्स हैं वो, कई बच्चों ने उसको यूज करा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं अभी भी कि भाई जो तेरे खुद के नोट्स होंगे वो सबसे बेस्ट होने वाले हैं, ठीक। अब देख क्या होगा तेरा, ये वीडियो तेरे को ढूंढने में पहली बार टाइम लगेगा, कि बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे ड्यूरेशन के कंसेप्ट समझाते हैं, वहां पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। वो अगर वो ढूंढना तुम्हारा काम है, ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो चैनल का नाम नहीं ले सकता, ठीक है, आपकी सिटी में जो कोचिंग होगा वो भी इसी तरह से पढ़ाता है, ठीक है, कि भाई एक चैप्टर को एक घंटे में नहीं पढ़ाता, वो सबसे घटिया स्ट्रैटेजी होती है, ठीक। जो आपकी सिटी में भी कोचिंग होंगे ना, वो कैसे पढ़ाते हैं, वो आपको क्या करते हैं कि पहले जो साल भर कोचिंग लगाते हैं ना, तो हर एक टॉपिक को वहाँ पे छोटा 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 पढ़ाते हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक छोटा छोटा पढ़ाते हैं। नहीं, अगर आपको विश्वास हो तो आप जितने भी दुनिया में, मतलब ये पेड कोर्सेज हो रहे हैं ना, ऑनलाइन देख लो या ऑफलाइन देख लो, तो उनमें क्या होता है, जो हमारा पेड कोर्स होता है वहाँ पे कभी वन शॉट वीडियो नहीं भेजते वो लोग, वहाँ पे क्या करते हैं, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक समझाते हैं, ठीक है। वन शॉट वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर डाले जाते हैं, ठीक है, ये ढूंढने का काम है, ठीक है, ये देखा। इसके बाद हम एनसीईआरटी पर आओ, रीड कर लिया, डिटेल्ड रीडिंग चाहिए। टर्म वन में हमने ये देख लिया कि भाई एनसीईआरटी की अगर डिटेल्ड रीडिंग है तो भाई आप कुछ भी फोड़ सकते हो, ठीक। आपने नोट्स बना लिए तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, ठीक। आपने एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 30 मिनट में एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मतलब कि आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए तैयारी कर ली, ठीक। मतलब यहां पर आपका पूरा का पूरा, जो सीबीएसई किसी भी तरह का पेपर ले ले, वो तैयारी हो चुकी है, ठीक। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमको कितने दिन में कौन सा चैप्टर करना चाहिए। तो बच्चों ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, इसमें काफी पार्ट रिड्यूस हो चुका है, तो हम इसको देंगे सिर्फ 2 दिन, आराम से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आराम से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हमको कितने दिन देने हैं। देख ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम दे देंगे 4 दिन, 4 दिन में आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से ये चैप्टर हो जाएगा। चल दूसरा हमारा आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये काफी बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक कम से कम 3-4 चैप्टर को लेकर चलता है, तो इसके अंदर हमको टाइम लगेगा लगभग 6 दिन, एकदम शांति से पढ़ना है, हमको वीडियो लेक्चर्स देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, नोट्स बनाने हैं, सब काम करेंगे, आसानी से 6 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें हमारा इवोल्यूशन वाला पार्ट हट चुका है, सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट बचा है। फिर भी हम इसको टाइम देंगे कितना, 4 दिन। कितना देंगे, 4 दिन का टाइम देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी। भाई इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हमको परेशान करने वाले हैं, तो हम इसको आसानी से 5 दिन देंगे। कितना देंगे, 5 दिन देने वाले हैं, ठीक। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इसमें से एसी वाला पार्ट काफी हट गया है, तो हम इसको लगभग लगभग 3 दिन देंगे। कितना देंगे, 3 दिन देंगे, ठीक। और अवर एनवायरमेंट, बच्चों बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब 3-4 घंटे बहुत हो गए इस चैप्टर के लिए, ठीक। तो इसके लिए हम दे देंगे 1 दिन। कितना दे देंगे, 1 दिन। तो बच्चों अगर हम टोटल काउंट करें तो देखो 2 और 4 6, ठीक है। 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24 और ये 25। मतलब 25 डेज में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब रुक, लेकिन 25 दिन में हम क्या करेंगे, हर 6 दिन के बाद एक रिविजन डे, हर 6 दिन के बाद +1 रिविजन डे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। 30 दिन में हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक। मतलब कि अगर हम 11 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जनवरी के, तो 11 फरवरी तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे। तब तक हमको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे ही वो क्लियर हुआ, हम उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट सारे वहाँ तक बन चुके होंगे, हमने एनसीईआरटी पूरी लगा चुकी होगी, ठीक, और हमारा रिवीजन भी वहाँ पर हो चुका होगा, ठीक है। बच्चों बहुत ही जल्द इस चैनल पर एक सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर हम काफ़ी अच्छे से वीडियो लेक्चर्स डालने वाले हैं, जिसमें इसी टाइम फाउंडेशन के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको, और उसके अंदर आपका 10th तो बहुत अच्छे से तैयार होगा, साथ में आपको जेई नीट की भी तैयारी करा दी जाएगी। जेई नीट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले 2 से 3 महीने के बाद आप 11th में जाने वाले हैं, और 11th में आपको एकदम से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलने वाला है, ठीक। तो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को आपको झेलने की आदत आनी चाहिए, ठीक है। आपका लेवल थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, बाकी लोग जो आपके आसपास बैठे रहेंगे कोचिंग में या आप जहां भी तैयारी करेंगे, उनसे आपको थोड़ा सा ऊपर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहां से आपका कैरियर की स्टार्टिंग हो जाएगी। आप कितनी अच्छे से यहां से तैयारी करते हैं, हम 2 से 3 महीने में ये जरूर सीख लेंगे कि तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेशर हैंडल करना सीख लेंगे, और ये जो सारे के सारे चैप्टर है ना, ये आपको 11 12th में मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलेंगे आपको, ठीक है। साथ में आपकी NTSC की भी तैयारी यहां पर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डीजे शाला।